तो पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर पूर्ण दावा पेश किया गया था, जिस पर अब हरियाणा में राजनीतिक भूचाल भी मचा हुआ है। हर कोई चंडीगढ़ को लेकर स्थिति साफ किए जाने की मांग कर रहा है। साथ ही साथ सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव भी पारित हुआ है कि हरियाणा का भी चंडीगढ़ पर बराबर का हक है। तो चंडीगढ़ पंजाब को सौंपने की मांग को लेकर पंजाब विधानसभा में पारित किए गए प्रस्ताव को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने देश को तोड़ने वाला काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसानों को अरविंद केजरीवाल पर इतना गुस्सा है कि आम आदमी पार्टी के नेता आगामी चुनावों में 90 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी जमानत तक नहीं बचा पाएंगे। विधानसभा के विशेष सत्र में सत्ता पक्ष ने सदन में क्या पक्ष रखा, इस बारे में खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और इस विशेष सत्र में सरकार की तरफ से चंडीगढ़ को लेकर क्या पक्ष रखा गया, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। इनसे जानते हैं कि सदन में सरकार ने क्या पक्ष रखा है। जी देखिए, पिछले दिनों जो पंजाब विधानसभा में एक तरफा प्रस्ताव पास करके चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने का प्रस्ताव पास किया, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, सबको पता है कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, भारत सरकार के अधीन है, लेकिन उन्होंने हरियाणा के लोगों की अस्मिता को चैलेंज किया है। हरियाणा पंजाब के इशूज हैं, सबसे बड़ा मुद्दा इसराइल के पानी का है, हिंदी भाषी क्षेत्र का है, उसके बाद मुद्दा आता है और दूसरे नई बातों पर डिस्कस करने का। और इतने सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं, हरियाणा के लोगों को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि केजरीवाल जी पंजाब में सत्ता में आए हैं, वो हरियाणा की धरती के रहने वाले हैं, हरियाणा का नमक खाया है, यहीं खेले कूदे हैं, दक्षिण हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो अब ज़रूर पानी आएगा। लेकिन ये जो कुकृत किया है पंजाब सरकार द्वारा, अब हरियाणा के लोगों में, हरियाणा के किसानों में बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है और सारा उनके गुस्से को देखते हुए सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि सब ने भर्त्सना की है, एक स्वर में सब इकट्ठे हुए हैं और हमने रेजोल्यूशन पास किया है कि हम जो है हरियाणा के हक के लिए किसी भी सीमा तक सब मिलजुल करके कहीं तक जाने को तैयार है। मंत्री, जिस तरह भी आपने कहा है कि केजरीवाल जी हरियाणा के रहने वाले हैं, तो उन्होंने फिर ऐसा जो है पंजाब में उनकी सरकार है तो ऐसा प्रस्ताव क्यों पारित किया गया? अब मुझे समझ में नहीं आता, प्रस्ताव यह है कि पंजाब में उन्होंने वायदे ज़्यादा कर दिए, पंजाब में खजाने में पैसा नहीं है, उनको बिजली फ्री देनी थी, पानी फ्री देना था, महिलाओं को पेंशन देनी थी, कर्जे माफ़ करने थे, पता नहीं क्या क्या वायदे कर दिए, और उसके ध्यान हटाने के लिए मैं लगता हूँ कि उन्होंने नई समस्या पैदा कर दी ताकि वो मुद्दे गौण हो जाए और ये नया मुद्दा पैदा हो जाए। लेकिन आजकल का नौजवान, आजकल के लोग बहुत समझदार हैं, इस तरह की चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और मेरी तो प्रार्थना है केजरीवाल जी की कि हरियाणा के लोग बहुत बहादुर हैं, उनकी अस्मिता को यूँ चैलेंज ना करें। आप जो इस तरह से करेंगे ये संघीय ढांचे के भी ख़िलाफ़ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के भी ख़िलाफ़ है, और इस देश को तोड़ने वाला काम आप कर रहे हैं, इस तरह का काम ना करें। मंत्री जी, जिस तरह आम आदमी पार्टी में कई नेता हरियाणा के शामिल हो रहे हैं और जो पंजाब में प्रस्ताव पारित हुआ है, क्या आम आदमी पार्टी से लोग पूछेंगे नहीं कि ये जो प्रस्ताव पारित किया है ये क्यों किया गया है? देखिए, हरियाणा में तो बड़ा जो किसानों में इतना ज़बरदस्त गुस्सा है, आप शामिल होने की बात करो, इनके कोई पूरे 90 के 90 सीट में जमानत नहीं बचा सकते, ये हरियाणा के लोगों में इतना ज़बरदस्त गुस्सा है, ये क्या समझते हैं हरियाणा के लोगों को, उनको पता नहीं है कि उनका पानी का हक इतने सालों से कौन खा रहा है, और उसको आप पानी का हक देने के बजाय आप नई समस्याएं पैदा कर रहे हो हमारे लिए, सब लोग समझते हैं इस बात को। ये थे मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, इन्होंने बताया कि चंडीगढ़ को लेकर जो पंजाब में प्रस्ताव पारित किया गया है वो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने लोगों के साथ धोखा किया है। इसके साथ साथ मंत्री जी ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव हरियाणा के लड़ती है तो 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की जमानत जब्त होगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम कर दिया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।